गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने कुछ चौंकाने वाले फैसले किए हैं। सबसे पहला ये कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच रिपोर्ट पर सुनील गावस्कर ने जहां पहले बल्लेबाजी का सुझाव दिया था, लेकिन विराट कोहली ने चौंकाते हुए साफ साफ बल्लेबाजी से इनकार कर दिया और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यही नहीं, कप्तान विराट कोहली ने टीम में भी चौंकाने वाला बदलाव किया है। जो बहुत बड़ा गेंदबाज था उसे टीम से बाहर कर दिया है। जी हाँ, आज की वनडे टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर अंबाती रायडू, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत डेब्यूटेंट हैं, आज पहला वनडे मैच खेल रहे हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, जबकि सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा और आठवें नंबर पर युजवेंद्र चहल खेलेंगे और इनके साथ तीन सीमर होंगे, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और खलील अहमद। जिसका मतलब ये है कि कुलदीप यादव, जिन्होंने टेस्ट मैचों में शानदार गेंदबाजी की, वनडे मैचों में भी कुलदीप का कोई सानी नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव को यहाँ पर बाहर बिठा गया है। कुलदीप यादव टीम के 12वें खिलाड़ी होंगे। तो ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला है जो कप्तान विराट कोहली ने लिया है। तो फिलहाल टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है।